राजस्थान सरकार ने 2 अप्रैल को एसटीएससी आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों हेतु बनाई रिव्यू कमेटी। अजमेर प्रशासन की बुलाई बैठक। कांग्रेस नेता डॉक्टर राजकुमार जयपाल और कमल बाकुलिया का भी सुना पक्ष। गत 2 अप्रैल को एसटीएससी वर्ग द्वारा आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं में पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ देश भर में 275 मुकदमे दर्ज किए गए। जिन मुकदमों को लेकर एसटीएससी वर्ग के लोगों में भारी रोष व्याप्त देखकर विशेष तौर पर राजस्थान सरकार सक्रिय हो गई है। राजस्थान सरकार ने एक रिव्यू कमेटी का गठन किया है जो कि राजस्थान में दर्ज इन मुकदमों की समीक्षा कर निर्दोष लोगों पर मुकदमे हटवाने की सरकार से सिफारिश करेगी। कमेटी में बतौर अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, राजस्थान सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री बाबूलाल वर्मा, ओंकार सिंह लखावत और अतिरिक्त शासन सचिव दीपक उप्रेती को लिया गया है। कमेटी को अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर पेश करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। इसी को लेकर अजमेर में हुई हिंसक घटनाओं हेतु दर्ज मुकदमों को लेकर आज जिला कलेक्टर और एडीएम सिटी ने आंदोलन के दौरान गिरफ्तार नेताओं की बैठक बुलाई और उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, जिसमें कांग्रेस नेता राजकुमार जयपाल और कमल बाकुलिया भी मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग के दौरान डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें जबरन बिना किसी वजह पुलिस अधिकारियों ने दुर्व्यवहार कर गिरफ्तार किया है और सैकड़ों लोगों पर जबरन कार्रवाई की गई है। वही कमल बाकुले ने बताया कि प्रशासन चाहे तो उस दिन की हिंसा की वीडियो फुटेज अभय कमांड सेंटर से मंगवा कर जांच कर ले और अगर चाहे तो नेताओं के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड भी निकलवा कर जांच करवा ले। तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी कि उस दिन आंदोलन की आड़ में पुलिस ने एससीएसटी वर्ग के नेताओं के साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया है। सभी नेताओं का पक्ष सुनकर जिला कलेक्टर ने उनका पक्ष कमेटी के समक्ष रखकर सभी को राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया है। यहाँ मुद्दे की बात यह है कि राजस्थान में आने वाले कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव है और मौजूद भाजपा सरकार नहीं चाहती कि चुनाव में एसटीएससी वर्ग की नाराजगी झेलनी पड़े। शायद इसी वजह से डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में भाजपा को एसटीएससी वर्ग के वोटों का नुकसान न हो। 2 अप्रैल के भारत बंद में जो दलितों पे, अनुसूचित जाति जनजाति पे पुलिस द्वारा बर्बरता से अत्याचार किए गए और उनको मारा पीटा गया और उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उसी संदर्भ में सीएमओ से एक आदेश आया और उस आदेश में संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एसपी को ये निर्देश दिए गए कि जो भी एससीएसटी दलित वर्ग के जो नेता हैं उनको बुलाया जाए और जो 2 अप्रैल को उनके साथ गलत अत्याचार हुआ है, गलत तरीके से पुलिस ने अत्याचार किया है उस बारे में और जो झूठे मुकदमे लगाए उस संदर्भ में उन्होंने आज हमसे जानकारी ली। हमने उनसे बताया कि किस तरह से पुलिस ने झूठे मुकदमे लगाए और मारपीट की और संभागीय कलेक्टर महोदय ने और एसपी महोदय ने कहा कि हम ये रिपोर्ट सीएमओ भेजेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। देर रात्रि एडीजे ने ली जीआरपी में मीटिंग। एडीजे करेंगे अजमेर की जीआरपी में वार्षिक निरीक्षण। आज पुलिस लाइन में होगी परेड व संपर्क सभा। अजमेर जीआरपी पुलिस की देर रात्रि एडीजी द्वारा बैठक ली गई। वह कल ही एसपी ऑफिस में थाने और क्राइम की मीटिंग भी हुई। वह आज पुलिस लाइन में परेड व संपर्क सभा की जाएगी। एडिशनल एसपी सुनील विश्नोई ने बताया कि एडीजी का वार्षिक निरीक्षण है जिसके अंदर पूरे जिले के कार्य की समीक्षा ली जाती है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आंध्र बटालियन श्रीमान के नरसिम्हा राव साहब महानिदेशक पुलिस की तरफ से जीआरपी का वार्षिक निरीक्षण करने पधारे हैं। वो आज और कल वार्षिक निरीक्षण करेंगे जिसमें आज एसपी ऑफिस और सभी एसएचओज की क्राइम मीटिंग, देन सीओ ऑफिस और थाने, इनकी आज विजिट है। कल पुलिस लाइन में परेड और पुलिस लाइन में भ्रमण और वहाँ की संपर्क सभा, सभी स्टाफ की संपर्क सभा लेंगे। इसी में जिले के पूरे साल का पूरा कार्य
इसकी समीक्षा की जाती है और श्रीमान महानिदेशक के सामने ये एक नोट पुटअप होता है कि कैसा करेगा। जीआरपी अजमेर का 2007 ये सालाना वार्षिक निरीक्षण है, इसमें 2017 का जो कर रहे हैं उसकी समीक्षा होती है। 2017 में जीआरपी में अजमेर में अच्छा कार्य हुआ है, लगभग सभी हेड्स में जो लूट है, हत्या है, डकैती है, जहरखानी है, सभी में कमी आई है। चोरियों में कुछ प्रतिशत वृद्धि हुई है और कार्यालय का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कोई भी एसआई जीपीएफ या रिटायर्ड कर्मचारी का पेंशन केस कोई बताया नहीं। नहीं, रिवार्ड रोल्स जो समय समय पर रिवार्ड रोल्स दिए जाते हैं और जीआरपी में पिछले साल 2234 रिवार्ड रोल्स दिए गए जो अच्छा कार्य करता है। पदोन्नति के लिए जो कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी पे मिलता है, ऐसा जीआरपी में पिछले साल ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिसमें उनको पदोन्नति आउट ऑफ टेन पदोन्नति दिया गई। जनरली गैलेंट्री अवार्ड है पदोन्नति, वैसा एकता इनिशियल क्राइम ही नहीं हुआ। तो बाकी रिवार्ड रोल जो भी अच्छा काम करता है उसको समय पे दिया जाता है। पेट्रोल के दाम बढ़ने पर खून से हस्ताक्षर कर भेजेंगे राष्ट्रपति को, जयपुर में आज कांग्रेस जनों ने किया भारी प्रदर्शन, भाजपा सरकार के खिलाफ लगाए नारे। पेट्रोल के दाम बढ़ने पर आज जयपुर में सांगने फवारा सर्किल पर कांग्रेस जनों ने भारी प्रदर्शन किया। कांग्रेस जनों का कहना है कि जयपुर में आज पेट्रोल का रेट 78.92 रुपये लीटर और डीजल का 71.92 रुपये लीटर हो गया है। ये देश के इतिहास का अब तक का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल रेट है जो आज हम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जबकि पेट्रोल का मूल रेट सिर्फ 37 और डीजल का 40 रुपये लीटर ही है। इसके ऊपर का सारा पैसा टैक्स और कमीशन है। अब हम कब तक सहन करेंगे? इसके लिए प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों ने अपने खून से पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस हस्ताक्षर पत्र पर 1,00,000 लोगों के खून के हस्ताक्षर लेकर राष्ट्रपति को भेजेंगे। इससे पूरा हिंदुस्तान परेशान है और बड़ी बड़ी बातें करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी और घोषणा की थी कि पेट्रोल डीजल की रेटें कम की जाएगी। रेटें कम करना दूर की बात है, जो पूरे विश्व में क्रूड ऑयल की रेट लगातार कम हो रही है, उसके बावजूद आज खून पसीने की कमाई को हमको आज पेट्रोल में डालना पड़ रहा है। इसलिए हमने आज खून से हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया है। पूरे जयपुर शहर में ये अभियान चलेगा और इस अभियान में 1,00,000 लोग अपने खून से हस्ताक्षर करके देश के राष्ट्रपति को भेजेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जिस सरकार ने वादा किया था बड़ी बड़ी घोषणाओं के साथ में, करना तो दूर की बात है, लगातार रेटें बढ़ रही हैं और देश की सबसे बड़ी रेट पिछले 2 दिन में लगातार बढ़ी हैं। जब कर्नाटक के चुनाव थे इन्होंने 12 दिन तक रेट नहीं बढ़ाई, अचानक से 12 दिन के बाद में कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट देखने के बाद में फिर उसकी रेटें बढ़ा दी गई है। तो ये सोचे समझे साजिश है। पूरे विश्व के अंदर क्रूड ऑयल की रेटें कम होने के बाद लगता था कि हिंदुस्तान में 30 और 25 रुपये के आसपास डीजल पेट्रोल की रेटें रहेंगी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि टैक्स के नाम पर, कमीशन के नाम पर हमसे 82 रुपये 85 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं। तो सरासर गलत है। इसके विरोध में हमने आज कौन सा हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया है। सारे कांग्रेस जन, सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन सब एकजुट है इस मामले में और अगर अवस्था पड़ी तो हम इसके लिए जयपुर बंद भी कराएंगे, राजस्थान बंद भी कराएंगे और देश बंद भी कराएंगे, क्योंकि जनता परेशान है महंगाई से। और महंगाई के कारण आज जो बातें इन्होंने करके लेके आए थे राज्य में, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकसभा के अंदर खड़े होकर कहा करते थे, यहाँ तक कि झंडे बहने लेके खड़े हो जाते थे कि पेट्रोल डीजल की रेटों कम कराएंगे। अब आज जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और इसीलिए हमने खून से हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया है जो राष्ट्रपति को दिया जाएगा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मुलजिम को आजीवन कारावास, नाबालिग को स्कूल से भगाकर ले गया मुलजिम, 1,25,000 के जुर्माने से किया दंडित। घटना 29 अगस्त 2013 की, जब जवाजा की रहने वाली नाबालिग अपने स्कूल के लिए घर से निकली थी, तब एक रंजित नामक व्यक्ति उसे बहला फुसला कर भगा ले गया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। घटना का पता जब नाबालिग के पिता को लगा तो पिता ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद मुलजिम रंजित को हिरासत में ले लिया गया। वे आज मुलजिम रंजित को 8 गवाह और 25 दस्तावेज पेश होने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास में 1,25,000 जुर्माने के साथ दंडित किया गया। नाबालिग पीड़िता जो कि गांव थाना जवाजा की रहने वाली थी, 24/8/2013 को अपने विद्यालय जाने के लिए निकली थी घर से, वहाँ से उसको रंजीत सिंह पुत्र केसर सिंह बेला फुसला के वहाँ के ले गया और उसको कई अलग अलग जगह पर लेके गया। वहाँ उसके साथ उसने उसके बलात्कार किया। उसके पिता के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई, उसके तब कहा कि उसको आशंका है कि रंजीत सिंह उसको पकड़ के ले गया है बेला फुसला के। तो 29/8/2013 को मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और पीड़िता को भी दस्तयाब किया गया। प्रोसिक्यूशन की तरफ से इसके अंदर 8 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए। माननीय न्यायालय द्वारा इसमें सुनाते हुए मुलजिम को धारा 363 के तहत 7 साल कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 364 के तहत 7 साल कारावास 10,000 रुपये जुर्माना,
धारा 343 के तहत 2 वर्ष कारावास और 5,000 जुर्माना, धारा 376(2)(n) के तहत आजीवन कारावास और 50,000 जुर्माना, धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। स्थायी मान्यता पत्र में कुछ बिंदुओं के पक्ष में नहीं, राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन RTE द्वारा जारी किए हैं स्थायी मान्यता पत्र। निजी विद्यालयों के संचालकों की आयोजित हुई बैठक। RTE द्वारा निजी स्कूलों के लिए स्थायी मान्यता करने हेतु एक शपथ पत्र जारी किया गया, जिसके तहत RTE के द्वारा स्थायी मान्यता जारी की जाएगी। लेकिन राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन इस पत्र में कुछ ऐसे बिंदु जिनका विरोध कर रही है, जैसे कि संचालक कभी भी किसी मामले को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन का कहना है कि हम इस पत्र के पक्ष में नहीं है। जी सर, आज शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों को RTE के तहत स्थायी मान्यता जारी करने हेतु एक शपथ पत्र भरकर सभी निजी विद्यालयों को कहा गया है कि उस शपथ पत्र को भरकर जमा कराएं, जिसके तहत शिक्षा विभाग द्वारा RTE के तहत स्थायी मान्यता जारी की जाएगी। उस शपथ पत्र को कोर कमेटी की मीटिंग में डिस्कस किया गया और उसके अंदर कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनके ऊपर की हमारा निजी शिक्षण संस्थानों का विरोधाभास है। जैसे कि उसके अंदर एक जो नियम दिया गया है कि आपको किसी भी न्यायालय की शरण में हम नहीं जा सकते, जो कि एक ऐसा बिंदु है जो न्यायिक जो पालिका है उसमें सभी को जाने का अधिकार है। कोई भी समस्या हो या कोई भी अगर अन्यायपूर्ण चीज़ लगती है जिसके तहत हम न्यायपालिका का उपयोग कर सकते हैं, उसके अंदर इस तरीके से दिया है कि अगर हम शपथ पत्र दे देते हैं तो फिर हम किसी भी न्यायालय के अंदर हमारी कोई भी समस्या है उसको हम ले जा नहीं सकेंगे। एक हमारा इस पर विरोधाभास है। एक हमारा ये कहना था कि जब सारी प्रक्रिया है ऑलरेडी हमारे को शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता जारी कर दी गई है, वो लिमिटेड पीरियड 3 साल के लिए थी और आदेश जो बीकानेर से निदेशक महोदय के उनके आदेश में कहीं भी नहीं लिखा कि कोई ऐसे शपथ पत्र की उसमें पूर्ति की जाए, और जिनको ऑलरेडी मिल चुकी है उन्हीं को आदेश जारी कर दिए जाए, जिनको नहीं मिली है उनका निरीक्षण कराकर उन्हें भी आदेश जारी किए। तो हमारा यही विरोधाभास है कि जो एक ऑलरेडी जिनको RTE की मान्यता मिल चुकी है फिर उनसे ये शपथ पत्र भरवाया जाना, फिर उसके अंदर ये कि हम न्यायालय में नहीं जा सकते, ये हमारा DO ऑफिस द्वारा जो जारी किया गया उससे हमारा विरोधाभास है। और इसी के तहत हम लोगों ने आज कोर कमेटी की मीटिंग आयोजित और इसके अंदर जिलाधीश महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा कि ताकि हमारी जो ये मांग है उसको सुना जाए, उस पर कोई सही निर्णय लिया जाए। आपका नाम? संजय मिश्रा, जिलाध्यक्ष, राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ, अजमेर। एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना बड़ी उपलब्धि का लॉयंस क्लब के अध्यक्ष आबा गांधी ने। किसी जरूरतमंद को अस्थायी रूप से मदद करने के बजाय उसे आजीवन रोजगार के लिए प्रेरित करना ज्यादा अच्छा है। रोजगार से वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। उक्त उदयगढ़ लॉयंस क्लब की प्रार्थना अध्यक्ष लॉयंस आबा गांधी ने धोलाबाटा स्थित आयुक्त शक्ति लेडीज जिम में लॉयंस क्लब अजमेर वेस्ट द्वारा आयोजित 9 दिवसीय निःशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर के समापन पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थी। वशिष्ठ अतिथि उपमहापौर सोमरत आर्यन ने कहा कि महिलाओं के लिए रोजगार के लिए काफी अवसर है जिनके जरिए वे परिवार के लिए अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। कार्यक्रम संयोजक लॉयंस वीना शक्ति लेडीज में 9 दिवसीय एक चल रहे एक्यूप्रेशर शिविर का समापन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर महेश अग्रवाल द्वारा और भावना रूपानी और कल्पना जी द्वारा उनको एक्यूप्रेशर द्वारा किस तरह रोगों से निजात पाया जा सकता है ये सिखाया गया और 72 महिलाओं ने इस शिविर का लाभ लिया और उनको इस उपलक्ष्य में अजमेर लॉयंस क्लब अजमेर वेस्ट द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए और इससे महिलाएं स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगी बताया गया। मैं लॉयंस क्लब प्रांतीय अध्यक्ष आबा गांधी। मनोनय पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आभार, अजमेर के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर।
राजस्थान सरकार कला साहित्य संस्कृति के पुरातत्व विभाग द्वारा राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोनित प्राधिकरण जयपुर के नियम 4 के तहत नियमानुसार गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन में भाजपा राजस्थान के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कंवर प्रकाश कृष्णायनी ध्यात उपाध्यक्ष बैरूलाल गुजर जयपुर निवासी एच खान व नागौर निवासी जी आर राव को मनोनयन होने पर माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आभार व्यक्त किया। राज्य ने राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोनित प्राधिकरण में 4 गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन पर आभार व्यक्त करने आए प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने प्राधिकरण के नए सदस्यों को बधाई देते हुए पैनोरामा और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास कार्य को तेज गति से पूरा करने के लिए जुट जाने के लिए कहा। राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोनित प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लगावत ने बताया कि सभी सदस्य सहित साथ में गए प्रतिनिधि मंडल ने राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राजस्थान में हो रहे विकास कार्यों के लिए सहभागी बनाने पर उनके जयपुर निवास स्थान पर माला चुनरी और पुष्प गच्छ हिंगलाज माता इष्ट झूलेलाल महाराज दहाड़सेन की स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। गंज व्यापारिक संघ के लोगों ने पंछियों के लिए वितरित किए परिंडे, पंछियों के लिए दाने की भी की व्यवस्था, बड़ी संख्या में लोगों ने लिए परिंडे। गंज व्यापारी संघ के प्रदीप दौलतानी और भगवान रूपानी के सहयोग से गंज में परिंडे वितरण किए गए, साथ ही पंछियों के लिए दाने की भी व्यवस्था की गई। बड़ी संख्या में लोग परिंडे लेने आए, वे लोगों को बताया कि इसे रोज भरकर रखें ताकि पक्षियों को गर्मी में राहत मिल सके। पारिक एसोसिएशन गंज के पदाधिकारियों ने यहाँ जो है पक्षियों सेव बर्ड्स जो है पक्षियों को बचाने के कार्यक्रम के अंतर्गत जो संयोजक है प्रदीप दौलतानी और भगवान रूपानी, इन दोनों ने जो है पिछले अनेक वर्षों से यह कार्यक्रम जारी किया हुआ है। इनमें परिंडे वितरण का, दाना पानी वितरण का कार्यक्रम रखा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं, जो दाना पानी और परिंडे की व्यवस्था नहीं कर पाते, तो व्यापारिक एसोसिएशन गंज के इन दो नाम जो मैंने बताए इन्होंने इनके संयोजन में यहाँ व्यवस्था की गई है। दाना पानी परिंडे वितरित किए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ से ले जा रहे हैं, उनको निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। हमारा सबका यही उद्देश्य है कि हर क्षेत्र में जहाँ भी पक्षी है पशु है इनको बचाया जाए, उनको चारा पानी देकर के भीषण जो गर्मी है भयंकर गर्मी पड़ रही है इसमें उनका जीव जो है जान बचाई जा सके। और आज जो है जो यहाँ के क्षेत्र के व्यापारी हैं और पूज्य सिद्धि पंचायत के पदाधिकारी हैं, इनमें वरिष्ठ नागरिक हैं जो 60-65-70 साल से अधिक आयु के हैं, इन सब ने संकल्प लिया कि हम सेव बर्ड्स जो है पक्षियों को बचाने के लिए पशुओं को बचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करेंगे, परिंडे रखेंगे, उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करेंगे और इनको पानी भर करके इस भीषण जो भयंकर गर्मी पड़ रही है उसमें इनको बचाने का प्रयास करेंगे ताकि जो है पशु पक्षी बचे रहें, उसी से ही मानव का जीवन होता है, अन्यथा हम लोगों का भी जीवन नहीं है, क्योंकि गाय वगैरह जो पशु होते हैं पक्षी होते हैं इनसे दूध वगैरह अन्य चीज़ें मिलती है, तो मानव जीवन भी उनके पीछे ही चलता है। रमेश कालवानी, महासचिव व्यापारिक एसोसिएशन। अजमेर में 9 जून से 16 जून तक राज्य स्तर पर खेला जाएगा फुटबॉल मैच। सम्राट पृथ्वीराज चौहान फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट में पूरे राजस्थान की टीम लेगी भाग। इंडोर स्टेडियम में प्रेस वार्ता हुई आयोजित। हर साल की तरह इस साल भी नगर निगम द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है, जो कि 9 जून से 16 जून तक पटेल मैदान में खेला जाएगा। आज इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मेयर धर्मेंद्र गहलोत व प्रतियोगिता संयोजक नीरज जैन ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बाहर से आने वाली टीम के लिए रहने खाने की व्यवस्था भी की गई है। वह प्रतियोगिता में प्रथम को 51,000, द्वितीय को 21,000 व तृतीय को 11,000 के इनाम का पुरस्कार दिया जाएगा। आगामी 9 जून से 16 जून तक नगर निगम के द्वारा पटेल स्टेडियम में अजमेर के अंदर राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस प्रतियोगिता का हम आगाज कर रहे हैं जो नगर निगम से, इसके पीछे हेतु ही है कि खेल के प्रति जो फुटबॉल के प्रति वो भावना हो। पृथ्वीराज चौहान जी की स्मृति में हम इस फुटबॉल प्रतियोगिता को कर रहे हैं। इसके संयोजक नीरज जी हैं, जो हमारे पार्षद हैं नीरज जी जैन, पूरे राज्य स्तरीय है। राज्य स्तरीय में जो प्रथम आएगा उसको 51,000 का, जो द्वितीय आएगा उसको 31,000 का, जो तृतीय आएगा उसको 11,000 का, और जो भी टीमें खेलेगी उनको सम्मानजनक यहाँ पे पुरस्कार और उसका किया जाएगा। सारे आने वालों के रहने खाने ठहरने की सारी व्यवस्था यहाँ माकूल रूप से की जा रही है। तो निश्चित रूप से आज इस व्यवस्था के नाते पूरी टीम बैठ रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा शहरवासियों को कि 9 तारीख से 16 तारीख तक जो यहाँ आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है उसमें आए और उसका लुत्फ उठाए, सारी प्रतियोगिता का देखने वाला है। नगर निगम द्वारा हर वर्ष की भांति आयोजित की जाने वाली सम्राट पृथ्वीराज चौहान फुटबॉल प्रतियोगिता 9 तारीख से प्रारंभ होने वाली है और राजस्थान में ये प्रदेश स्तर का टूर्नामेंट जो कि फ्लड लाइट में दूधिया रोशनी में खेला जाता है,
16 टीमें इसमें भाग लेने वाली हैं, इसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, निम्बाहेड़ा, अलवर, कोटा, गंगानगर, जावर माइंस, अजमेर, अजमेर की नगर निगम अजमेर की टीम भी उसमें उतरती है, ऐसी 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। सबको हम कैश प्राइज देते हैं। इसके अतिरिक्त जो बेस्ट फुटबॉलर है, बेस्ट कीपर, बेस्ट मिडफील्डर, बेस्ट फुलबैक, इनको भी प्राइज दिया जाता है। आने वाले टीमों का रहना खाना और उनका TADA जो आने का वो भी नगर निगम द्वारा दिया जाता है। ये अपने आप में एक अनूठा टूर्नामेंट पूरे राजस्थान में अजमेर में नगर निगम द्वारा आयोजित किया। कितने दिन तक रहेगा ये? तकरीबन 8 दिन चलेगा। वार्ड 39 में दानमल माथुर कॉलोनी में पाइपलाइन नहीं डलने पर क्षेत्र के लोगों में रोष। मंत्री अनिता बदेल ने किया था नई पाइपलाइन का शिलान्यास, लेकिन केवल विशेष जगह डाली जा रही है पाइपलाइन। कुछ समय पहले वार्ड 39 में नई पाइपलाइन का शिलान्यास मंत्री अनिता बदेल के हाथों हुआ था, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दिखी। लेकिन वार्ड 39 की दानमल माथुर कॉलोनी के निवासियों को जब पता पड़ा कि उनकी कॉलोनी में नहीं केवल विशेष जगह ही पाइपलाइन डाली जा रही है, तो क्षेत्र के लोगों में रोष आ गया, जिसका क्षेत्र के लोगों ने विरोध प्रदर्शित करते हुए अपनी कॉलोनी में भी पानी की पाइपलाइन डलवाने की मांग रखी। वार्ड 39 के अंदर नई पाइपलाइन डाली गई है, जिसका शिलान्यास अनिता बदेल मंत्री महोदय ने किया है। ये बात सुनकर इस क्षेत्र में खुशी की लहर जाग उठी थी, जिससे जब मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे सिर्फ एक विशेष समूह स्थान सुनीता आईडी के डाली गई है, जिससे कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है और लोगों में आक्रोश पैदा हुआ है, मतभेद है। हम चाहते हैं कि दानमल माथुर कॉलोनी में सभी के साथ एक समान बर्ताव किया जाए। आज हमारे यहाँ पे ये 50 फुट का टुकड़ा, यहाँ पे पाइपलाइन नहीं है और यहाँ पे सीमेंट की लाइन है, यहाँ पे पाइपलाइन डाली ही नहीं गई है। आज हम ये सभी आमजन नागरिक होते हुए हम ये कहना चाहते हैं कॉलोनी वासी कि यहाँ पे अगर पाइपलाइन नहीं डाली गई तो इसका विरोध हम पूरे बड़े स्तर पे किया जाएगा। भीलवाड़ा में मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान का आगाज, 27 से 30 तक होगा जाजपुरा में बूथ सम्मेलन। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई बैठक। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज दोपहर 1 बजे कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा की अध्यक्षता में मेरा बूथ मेरा गौरव सम्मेलन आयोजित करने के लिए बैठक आयोजित हुई। बैठक में समस्त ब्लॉक अध्यक्षगण एवं सम्मेलनों को संपादित करने के लिए जिले में बनाए गए जिला ब्लॉक समन्वयक एवं सह समन्वयक की बैठक हुई थी। मंच पर जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, जिला समन्वयक दुर्गेश शर्मा, जिला समन्वयक महेश सोनी उपस्थित थे। बैठक में मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। मेरा बूथ मेरा गौरव के संबंध में बैठक रखी है, जो 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक प्रत्येक विधानसभा में जो सम्मेलन होंगे, जो पहला सम्मेलन जाजपुर से होगा और 30 तारीख का आखिरी सम्मेलन सारणा में होगा। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें।